भारत की महिला आज एक नए रूप में और नई नई भूमिकाओं में लोगों के सामने आ रही है। जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां उसने अपनी योग्यता का परचम ना लहराया हो। देश में नारी के इस बदलते हुए रूप और छवि के पीछे कुछ ऐसी महिलाओं का संघर्ष है जिन्होंने जीवन में नए रास्ते बनाए। हर दिशा में नारी की ताकत और काबिलियत से समाज के सोचने के अंदाज में एक बदलाव आया है। हमारा ये सीरियल पहल ऐसी ही महान नारियों की जद्दोजहद की कामयाबी की कहानी है जिसे हम आपके सामने दोहरा रहे हैं। भारत में फैमिली प्लानिंग यानी परिवार नियोजन से श्रीमती धनवंती रामा राव का नाम कुछ वैसे ही जुड़ा है जैसे अमरीका में श्रीमती मार्गरेट सेगर का। एक ऐसा भी दौर था जब लोग फैमिली प्लानिंग का जिक्र करते हुए शर्माते थे। श्रीमती रामा राव ने बढ़ती हुई आबादी और औरतों की गिरती हुई तंदुरुस्ती को संभाला। उस वक्त लड़की जब अपना नाम भी ठीक से नहीं ले पाती थी उसकी शादी कर दी जाती थी और उस पे कच्ची उम्र में माँ बनने का बोझ लाद दिया जाता था। नारी का अपने शरीर पर भी अधिकार नहीं था। उसके होंठ सिले थे और अंधाधुंध बच्चे पैदा करने से उसकी सेहत और तंदुरुस्ती पे बहुत बुरा असर पड़ रहा था। श्रीमती रामा राव ने चिंतित होकर फैमिली प्लानिंग के बारे में एक आंदोलन शुरू किया। उन्होंने फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बुनियाद रखी ताकि नारियों पर ज्यादा बच्चे पैदा करने का बोझ ना पड़े। आबादी के बेहिसाब बढ़ते जाने के परिणाम इस देश में आखिर महिलाओं को ही झेलने पड़ते हैं। ज्यादा बच्चों के जन्म और फिर उनकी देखभाल के बढ़ते हुए बोझ से उनका शारीरिक ही नहीं मानसिक स्वास्थ्य भी चरमरा उठता है और फिर उनके जीवन के स्तर पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। धनवंती रामा राव उन कुछ थोड़े से लोगों में थीं जिन्होंने सबसे पहले इस स्थिति की गंभीरता को समझा और उसे एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में देखा। इसी में उन्हें भारत की महिलाओं की पिछड़ेपन, अशिक्षा और बेरोजगारी का मूल कारण नजर आया। समस्याओं के इस शिकंजे से महिलाओं को मुक्ति दिलाने के लिए धनवंती रामा राव ने उनमें परिवार नियोजन की चेतना जगाई और इसके लिए एक देशव्यापी आंदोलन चलाने का बीड़ा उठाया। मेरी उनके साथ धनवंती रामा राव, जिनको मैं धनवासी बुलाया करती थी, उस वक्त 51 में मेरे उनके साथ पहचान हुई एंड आई वाज सो मच अट्रैक्टेड बाय हर पर्सनैलिटी। उस वक्त जो फर्स्ट नेशनल फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो मैं उनके साथ काम करना शुरू किया। उन्होंने अपने घर में सेंट माइकल रोड है बॉम्बे में, आई थिंक जैसा वहाँ पर रिजर्व बैंक गवर्नर का घर था, तो उन्होंने एक कमरा दफ्तर बनाया हुआ था। फैमिली प्लानिंग की जो प्रॉब्लम है हिंदुस्तान में सदियों से चली आ रही है और 1949 में मिसेस धनवंती रामा राव ने ये प्रॉब्लम को समझा, सोचा और इसके ऊपर बड़ा विचार करने के बाद उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई जिसका नाम था फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। मिसेस धनवंती रामा राव ने ये प्रॉब्लम इसलिए सोची कि जिस प्रकार हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसके ऊपर एक कंट्रोल होना चाहिए, वरना नहीं तो लोगों को ना तो खाना मिल पाएगा और ना रहने की जगह मिल पाएगी। औरतें समझती थीं कि ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करती थी जो आप एडवाइस करते हैं, और जो डिलीवरी ऑफ हेल्थ सर्विसेज भी नहीं थी। मतलब यह कि आप तो आजकल देखते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स वगैरह, उस वक्त इट वॉज इन द फॉर्मेटिव स्टेज। So the main problem was threefold. One, creating the climate to accept that the family planning is good for the individual. Because एक गांव का आदमी ये थोड़ी कि हिंदुस्तान में पर कैपिटा इनकम इतनी इंक्रीज, how it can influence her own health and happiness. That was the major problem. That means communication. On the level of delivery of services, because suppose aapne
पॉकेट्स में कहीं एक्सेप्टेबल है कहीं नहीं एक्सेप्टेबल है, जहाँ एक्सेप्टेबल है इज आर द सर्विसेज अवेलेबल, द बेसिक सर्विसेज वर नॉट देयर, द रोड्स वर नॉट देयर टू द विलेज, सो यू हैड टू डेवलप ए बिग सिस्टम। पर क्या आज भी देश में एक आम औरत ये निर्णय ले सकती है कि वो कब और कितने बच्चों को जन्म दे? आपने अपने हस्बैंड को कहा नहीं कि मुझे और नहीं चाहिए, आपको दिक्कत है? कहा था उन्होंने, उन्हें बहुत कहा मैंने, लेकिन नहीं माने। उसके बावजूद लड़के के लिए उन्होंने मुझे कंपेल किया। आजादी के कई साल बाद भी भारत में परिवार नियोजन के बारे में न कोई सरकारी नीति थी, न लोगों में उसके उपायों की जानकारी। आवश्यक जानकारी और साधन जुटाने के लिए धनवंती रामाराव विदेशों में जनसंख्या विशेषज्ञों से मिली। इसे धनवंती रामाराव इस ग्रुप की लीडर थी। पहले मेरी मुलाकात उनसे एन आर्बर में मिशिगन में हुई थी। मैंने देखा कि एक लंबी चौड़ी खूबसूरत सी लेडी, उम्र तो 60-65 के करीब उनका होता, लेकिन एनर्जेटिक भी थी, डायनेमिक भी थी, उनमें लीडरशिप की क्वालिटी भी थी, वो आई थी। मिसेज धनवंती रामा राव का वहाँ विजिट करने का मकसद ये था कि किस तरीके से फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया जाए, ट्रेन मैन पावर ऐड किया जाए, इसके बारे में वाइड अवेयरनेस क्रिएट किया जाए, किस तरीके से इसकी सर्विसेज जो है क्वालिटी ऑफ सर्विसेज इम्प्रूव की जाए और किस तरीके से अश्योर सर्विस दी जाए, तो ये सब मकसद लेकर करके वो आई थी। उन्होंने स्टूडेंट्स से, जिसमें हम लोग थे, नेपाल के लोग भी थे, पाकिस्तान के लोग भी थे, श्रीलंका के भी थे, हम लोगों से बातचीत की कि किस तरीके से आप लोग फैमिली प्लानिंग की जो यहाँ ट्रेनिंग हो रही है बैक होम के सिचुएशन में किस तरीके से उन्होंने यूटिलाइज किया। आई एसोसिएशन विद हर were mainly on the family planning movement, but very personal relationship. In fact, we called her Dhan Masi. Lady Rama Rao ne aur Mrs. Wadia ne first 5-year plan mein ek memorandum diya tha on population. To aap ye keh sakte hain ke voluntary sector mein international level pe इंटरनेशनल प्लान पेरेंट फेडरेशन लेडी रामा राव, नेशनल लेवल पे द मेमोरेंडम टू द प्लानिंग कमीशन लेडी रामा राव, और अर्ली डेज में मैं ये कह सकता हूँ कि ऑफिशियल पॉलिसी में मैं उनके ऊपर बहुत डिपेंड करता था, क्योंकि उनकी सूझबूझ थी वो बड़ी प्रैक्टिकल थी। तो बहुत सी कमेटीज़ में लेडी रामा राव, जैसे अबॉर्शन कमेटी लेडी रामा राव होते, जो कोई जो इस तरह कमेटी अपॉइंट हुई भी है, आई रिक्वेस्ट लेडी रामा राव टू जॉइन अस। So she was a great lady, a very unassuming. धनवंती रामाराव के पिता रूप किशन हंडू और माँ भागभरी शाह कश्मीरी पंडित परिवारों से संबंध रखते थे। ये परिवार मुगलों के समय में कश्मीर से आकर दिल्ली में रहने लगे। शादी के बाद किन्हीं कारणों से रूप किशन हंडू अजमेर चले गए, जहाँ उन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली। कुछ समय बाद उनका तबादला सदन मराठा रेलवेज में हो गया, जिसका मुख्यालय हुबली में था। धनवंती उनके 6 बच्चों में एक थी और उनका जन्म 10 मई 1893 को हुबली में हुआ। कन्नड़ भाषी न होने के कारण उनकी प्रारंभिक शिक्षा कैथोलिक चर्च से संबद्ध क्वीन मेरी पब्लिक स्कूल में हुई, जहां रेलवे कॉलोनी के अन्य बच्चे भी पढ़ते थे। हुबली से उनके पिता को नौकरी के सिलसिले में मद्रास आना पड़ा। वहां 1909 में धनवंती रामाराव ने प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। 1917 में अंग्रेजी में ऑनर्स डिग्री लेने पर उन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। इसके साथ ही वे क्वीन मेरी कॉलेज में अंग्रेजी के एसोसिएट प्रोफेसर नियुक्त हुईं। कश्मीरी हिंदू परिवार में जन्म लेकर भी उन्होंने अपनी जात से बाहर
दक्षिण भारत के ICS अधिकारी बेनेगल रामाराव से विवाह किया। इस पर उनके कुछ संबंधियों ने विरोध भी किया, लेकिन धनवंती रामाराव ने उसकी परवाह न की। 1920 में उनकी पहली बेटी प्रमिला हुई और उसके 3 साल बाद शांता, जो बाद में एक प्रसिद्ध लेखिका बनी। 1929 में धनवंती रामाराव अपने पति के साथ इंग्लैंड गईं, जो 1930 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के सचिव और उसके बाद लंदन में भारत के उप उच्चायुक्त नियुक्त हुए। इंग्लैंड में बिताए अपने 10 वर्षों में धनवंती रामाराव ने यूरोप के लोगों के सामने भारतीय महिलाओं का पक्ष रखा। इस बीच भारतीय नेताओं में वो गांधी जी से विशेष प्रभावित हुईं। 1938 में वे दक्षिण अफ्रीका गईं, जहां बेनेगल रामाराव को भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। यहां डॉक्टर राधाकृष्णन जैसे महान व्यक्ति उनके मेहमान बने। 1941 में वे भारत लौट आईं और महिला आंदोलन में फिर सक्रिय हुईं। यही वो समय था जब उनका ध्यान विशेष रूप से परिवार नियोजन की समस्या की ओर गया। फिर आया 1944 में बंगाल का भयंकर अकाल। भूख से तड़पते लाखों इंसानों और मवेशियों की जाने गईं। ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की कार्यकर्ताओं के साथ धनवंती रामाराव अकालग्रस्त क्षेत्रों में गईं और पीड़ितों को राहत पहुंचाई। 1946 में अंग्रेज लेखिका हिल्डा सेलिगमन ने AIWC को मेडिकल वैन भेंट की। अशोक अकबर स्किपो वैन नाम के इस चलते फिरते अस्पताल को धनवंती रामाराव महाराष्ट्र के ठाणे जिले के आदिवासी गांव में ले गईं और रोगियों का मुफ्त इलाज कराया। उसी वर्ष वे ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्ष भी चुन ली गईं। जब उन्होंने फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन शुरू की और उन्होंने जब पहली कॉन्फ्रेंस की, उस वक्त मैं डायरेक्टर फैमिली प्लानिंग इन हेल्थ मिनिस्ट्री था पहला, और ये और मुझे बहुत था कि ये मूवमेंट जो है वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हो सकता है। दिल्ली की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में एक इंटरनेशनल लेडी थी मार्गरेट सेंगर, जिसको लोग फाउंडर ऑफ बर्थ कंट्रोल मूवमेंट कहते हैं, वो आई और लेडी रामा राव ने पंडित नेहरू को परसुएट किया कि आप भी आइए। लेडी रामा राव एक प्लानिंग कमेटी की मेंबर थी, मेंबर नहीं थी, चेयरमैन थी, मैं उसका सेक्रेटरी था। तो हमने एक क्वेश्चनर बनाया था, वो पंडित नेहरू को भी भेज दिया, सब MPs को, MLAs को, इंडस्ट्रियलिस्ट को भेजा। पंडित नेहरू ने चिट्ठी में लिखा, माय डियर धन, मुझे इतना लंबा क्वेश्चनर भरने की फुर्सत तो है नहीं, लेकिन मैं मदर और चिल्ड्रन को के केयर को बहुत सपोर्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि फैमिली प्लानिंग मूवमेंट को तरक्की दी जाए, एंड आई हैव माई फुल सपोर्ट, योर सिंसियरली जवाहर। I kept that letter for some time, but I don't know where that letter is. But so what I was saying is, she brought the two, our own giant Nehru and the international Margaret Sanger, who was not well, ill. And actually when Nehru came, he went to the room where Margaret Sanger was waiting and brought her personally. It was the greatness of the great man. You know, instead of people waiting for him, he went to Mrs. Margaret Sanger, brought her to the stage. Aur unki taqreer mein mujhe sirf ye baat yaad hai ke
कि प्लानर को ये सोचना पड़ता है कि मुझे कितने बच्चों के लिए स्कूल चाहिए, कितना खाना चाहिए, कितने कपड़े होने चाहिए। उनका ये थियोरेटिकल एक्सरसाइज नहीं है, ये प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है फॉर द पॉलिटिशियन। और इसलिए मैं सपोर्ट करता हूँ। ये मुझे याद है, बहुत पुरानी बात हो गई, बट पंडित नेहरू की सपोर्ट फैमिली प्लानिंग बहुत थी। एक इंसिडेंट मुझे याद है कि वो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, ऑल इंडिया एनुअल कॉन्फ्रेंस, तो मुरारजी भाई थे उस वक्त चीफ मिनिस्टर गुजरात के, गुजरात और महाराष्ट्र एक थे ना बॉम्बे में। तो चलना था उनको मिलने के लिए, कोई काम था, तो मेरे को बोलो कि चलो कृष्णा तू भी चल मेरे साथ। मैं चलो मैं भी चलती हूँ। तो वो तो बरखिलाफ थे फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम में, तो उन्होंने उस वक्त उनको बोला मेरे सामने कि अगर मेरे हाथ में होए तो मैं ये कॉन्फ्रेंस तुम्हारी बंद करा दूँ। पर शी वाज़ ए पर्सन विद रियल गट्स एंड टर्न, शी सेड हाँ मुरारजी भाई अब कर सकते हो तो करो, आई शी एक्सेप्टेड द चैलेंज। भारत में गर्भ निरोध के नए से नए तरीकों का प्रशिक्षण देने के लिए उन्होंने मुंबई में एक कार्यक्रम चलाया। उनकी कोशिशें तब रंग लाईं जब 1953 में जाकर योजना आयोग ने परिवार नियोजन को पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया। धनवंती रामाराव ने यह स्पष्ट किया कि विकास की प्रक्रिया में महिलाओं के स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। उनका विचार था कि इसके लिए पुरुषों की मानसिकता बदलना जरूरी है, जो आज के संदर्भ में भी सही लगता है। पहला बच्चा मेरा गर्भावस्था हो गया था। जब गिरा था तो आपको कुछ महसूस हुआ था? हाँ, मेरे को बड़ा अफसोस हुआ, दुख हुआ था। अब ये जो बच्चा हो रहा है, आप कैसा बच्चा चाहती हैं? मैं हेल्थी बच्चा चाहती हूँ अभी। और इसके अलावा दूसरा बच्चा कब करना चाहेंगी? हमें मेरे हस्बैंड से पूछना पड़ेगी। आप अपने आप कुछ नहीं बता सकते कि आप कब चाहेंगी और क्या करना चाहती हैं? नहीं, हस्बैंड से पूछ के बता देंगे। कुछ इस्तेमाल करने के लिए अगर हम आपको कहें तो आप करेंगी या हस्बैंड से पूछेंगी? हाँ, आपके एडवाइस दे तो पूछ के मैं बता देंगी। अपने आप नहीं बता सकते? नहीं। हमारे 3 बच्चे हैं, लड़कियां हैं, वो भी बहुत कमजोर हैं। तो हमारे घर वाले चाहते हैं कि लड़का हुए, लड़का हुआ नहीं तो हमें भी बहुत कमजोरी लग रही है। मुझे मैं देना चाहती लड़का। आपकी क्या क्या उम्र है लड़कियों की? लड़कियों की एक 3 साल की है, एक 1.5 साल की छोटी वाली, 6 महीना की है। सारे बच्चे छोटे 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 एकदम छोटे। ऐसे में आपके लिए और बच्चा पैदा करना तो बहुत मुश्किल है। हाँ, आपका खून जो सिर्फ 5 ग्राम है, कम से कम 10 ग्राम होना चाहिए। अगर आपने और बच्चा अभी पैदा किया, हो सकता है आपकी जान चली जाए। अच्छा, तो यह तो मुझे पता नहीं, लेकिन घर वाले सास मेरी कहती है कि मुझे लड़का चाहिए। अब मैं कहाँ से दूँ उनको लड़का? देते देते ये ना हो कि आपको कुछ हो जाए तो तीनों बच्चियों को भी देखने वाला कोई ना रहे। और क्या करूँ? समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने के काम में श्रीमती धनवंती रामाराव ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। लोगों में परिवार नियोजन की चेतना जगाने के लिए उन्होंने जो कार्य प्रणाली अपनाई, उसके बारे में डॉक्टर बब्बर का कहना है। उन्होंने एक डॉक्टर लिया जिसको डायरेक्टर बनाया अपनी फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन का। उन्होंने एक नर्स ली, एक एक्सटेंशन एजुकेटर लिया और एक मैसेंजर लिया। उन्होंने OPDs में जाकर डॉक्टर्स को रिक्वेस्ट किया कि आप 1 घंटा या 2 घंटे हमें दीजिए, जिससे कि फैमिली प्लानिंग की अवेयरनेस लोगों के घर तक पहुँचे। तो उन्होंने जो नर्स ट्रेन की और जो एक्सटेंशन एजुकेटर ट्रेन किया और सोशल वर्कर ट्रेन किया, वो लोगों के घर में जाकर मैसेज देना शुरू किया। जो नर्स होती थी वो सुबह से लेकर शाम तक बैठती थी, पर जो डॉक्टर होता था क्लिनिक में, वो सिर्फ 1 या 2 घंटे के लिए ही फैमिली प्लानिंग की एडवाइस देता था। शुरू में जब फैमिली प्लानिंग शुरू हुई तो उन्होंने लिपिस लूप, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब जो गर्भ निरोधक गोलियाँ और निरोध के ऊपर काम करना शुरू किया। उस टाइम ऑपरेशन का सिलसिला शुरू नहीं हुआ था। जो लोग ऑपरेशन कराना चाहते थे वो क्लिनिक्स में जाते थे तो उनको वो सुविधा प्राप्त की जाती थी, पर कुछ लोग ही डॉक्टर थे जो ये सुविधा दे पाते थे। तो हमारे पास ट्रेंड पर्सनल नहीं थे। मिसिस धनवंती रामा राव ने जवाहरलाल नेहरू से बहुत रिक्वेस्ट की और बहुत सारे डॉक्टर्स को इसमें ट्रेनिंग देने के लिए सोचा। इससे ये हुआ कि फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट लोगों को समझ आना शुरू हुआ कि जो हमारे यहाँ जन्म दर, मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है, जो औरतें
बच्चा पैदा करती हैं, मर जाती हैं, उसको कहते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। जो बच्चे पैदा होते हैं, पैदा होते ही मर जाते हैं, उसको कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। बहुत हाई था, बहुत ज़्यादा था। उसको कम करने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा महत्व दिया और ये फैमिली प्लानिंग का कार्यक्रम शुरू किया। धनवंती रामा राव फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन की उस वक्त प्रेसिडेंट थे। उस वक्त ये बहुत छोटा सा एसोसिएशन था, इतने ब्रांचेज नहीं थे, इतना फंड नहीं था। अब तो शायद 30 करोड़ या 40 करोड़ का इसका बजट है, लेकिन उस वक्त हम समझते हैं कि हज़ारों में होगा या शायद लाख में होगा। तो उस वक्त जो लिमिटेशन था उसके मुताबिक उन्होंने डिस्कस किया कि इंडिया के सिचुएशन में यहाँ के फैमिली प्लानिंग का इफ़ेक्ट जो है घर के खुशहाली में भी, कुंबे के सेहत में भी यूटिलाइज़ किया जाए और मुल्क के आगे बढ़ाने के लिए भी किया जाए। तो उस वक्त उनके दिमाग में ये बात थी, लेकिन अभी हमको ये देख करके खुशी होती है कि जो उनका ख्वाब था कि ये फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑल इंडिया लेवल का एक ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन बने, तो अब बन गया। अब आपको जान के खुशी होगी कि उस वक्त कुछ ही ब्रांचेस थे, 62 की बात है या 63 की बात है, पहला ब्रांच जो था शायद दिल्ली में खुला था, लेकिन अब हम लोगों के पास 40 ब्रांचेज हैं मुख्तलिफ सूबों में, मुख्तलिफ प्रोविंसेस में। 39 स्पेशल प्रोजेक्ट हैं, 7 या 8 एरिया प्रोजेक्ट्स हैं जो मध्य प्रदेश में चल रहे हैं। तो इस तरीके से इसका बहुत डेवलपमेंट हुआ, बहुत आगे ये तरक्की करी। तो उन्होंने ख्वाब देखा था और उस ख्वाब को पूरा कुछ हद तक मिसेज वाडिया कर रही हैं जो उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट थी और अब प्रेसिडेंट की सूरत में फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की हैं। जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में अपनी पहल और मूल्यवान सेवाओं के लिए धनवंती रामाराव को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मान प्राप्त हुए। 1955 में उन्हें अल्बर्ट और मेरी लस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया। फिर 1959 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत किया। 1963 में श्रीमती रामाराव परिवार नियोजन के अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल प्लैंड पेरेंटहुड फेडरेशन के अध्यक्ष चुन ली गईं और इस पद पर काफ़ी समय तक रहीं। अपनी रजत जयंती के अवसर पर फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कर्मियों ने अपनी संस्थापिका का विशेष सम्मान किया और परिवार नियोजन के कार्य में उनके महान योगदान का स्मरण किया। पर कृतज्ञता का जो अव्यक्त भाव अनचाहे मातृत्व से मुक्ति पाने वाली महिलाओं के मन में उनके लिए है, वही शायद उनका सबसे बड़ा सम्मान है।